लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक है। 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी और 20 नवंबर को छठ के पारण के साथ ही पूजा का समापन हो जाएगा। चार दिनों के इस महापर्व से पहले बिहार के बाजार सज चुके हैं। छठ पूजा से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। छठ के गीत अब कानों में गूंजने लगे हैं, माहौल पूरी तरह से छठ पूजा का हो चुका है। अगर आप यूपी या बिहार के शहरों या फिर गाँव की बात करें तो वहाँ के बाजार छठ पूजा के लिए पूरी तरह से सजे हुए हैं। दुकानों में छठ पूजा के सामान बिकने शुरू हो गए हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नहाए खाए खरना, अस्ताचलगामी और उद्गामी सूर्य को अर्घ देने का विधि विधान छठ पर्व में होता है। इसके लिए बहुत सारे सामान खरीदने पड़ते हैं। छठ व्रती अपनी क्षमता के मुताबिक खरीदारी करके भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन छठ के बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो पूजा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। गरीब हो या अमीर, जो भी छठ करते हैं उन्हें ये सामान लेना जरूरी होता है। छठ में सबसे ज्यादा डिमांड बांस से बने हुए सूपे की होती है। बगैर सूप के भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दिया जा सकता। सूप में ही फल, ठेकुआ और अन्य पूजन सामग्री रखकर अर्घ दिया जाता है। पटना समेत बिहार के कई इलाकों में छठ पर्व के लिए सूप के बाजार सज कर तैयार हो चुके हैं। इस बार ये सूप 70 रुपए से 100 रुपए के बिक रहे हैं। सूप के साथ साथ छठ में दउरा का भी खास महत्व होता है। शाम और सुबह दोनों समय अर्घ देने के लिए घाट तक सूप और अन्य प्रसाद को दउरा में ले जाया जाता है। बाजार में 100 से 500 रुपए तक दउरा बिक रहे हैं। खरना का प्रसाद बनाने के लिए चूल्हे की भी काफी डिमांड है। खरना का प्रसाद यानी कि गुड़ की खीर और रोटी मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है। इन मिट्टी के चूल्हे की कीमत 100 से 200 रुपए के बीच होती है। छठ पर्व में मिट्टी के चूल्हे पर जलावन के लिए आम की लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है, इसीलिए बाजार में आम की लकड़ी भी सज कर तैयार है। बिहार के अधिकांश जगहों पर आम की लकड़ी की खरीदारी जोरों पर की जा रही है, जो 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। मिथिलांचल में छठ के अर्घ के समय कोसी भराई का खास महत्व होता है। कोसी भराई के लिए मिट्टी के हाथी की जरूरत पड़ती है। बाजारों में मिट्टी के हाथी की बिक्री भी जोर शोर से हो रही है, जो कि 200 रुपए से 500 रुपए तक के बिक रही है। इसी के साथ ही सूर्य को अर्घ देने के लिए सूप पर फल, ठेकुआ के साथ ही साथ बद्दी, आलता और पान फूल जैसी सामग्रियां भी जरूरत के हिसाब से खरीदी जा रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।